तस्वीर? ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये तो हमारे घर में थी नहीं। और ये दरवाजा? ये दरवाजा रात भर खुला रहा, मैं तो बंद करके सोई थी रात को। खैर छोड़ो, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। ये खून के निशान, ये खून के निशान यहाँ क्या कर रहे हैं? बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये खून के निशान तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। हेलो हेलो रिया, जल्दी से मेरे घर आ जा, मेरे घर पे भूत है। क्या कह रही है यार, तूने अपने नौकर को देख लिया होगा, वो वैसे भी भूत जैसा ही लगता है। अरे मेरा नौकर मम्मी पापा के साथ बाहर गया है, सब एक हफ्ते बाद लौटेंगे, मैं घर पे अकेली हूँ, तू जल्दी से आ जाना। यार भूत नहीं होगा, मैं अभी सोने जा रही हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। अच्छा तो सुन, मेरी ब्लैक ड्रेस, मेरी सैंडल्स, मेरी पिंक ड्रेस, मेरा जो भी है ना तेरे पास, सब कुछ मुझे वापस लौटा दे। अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा, आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। ये रिया से तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो भूत से डरती है। एक काम करती हूँ, राहुल को बुला लेती हूँ, वो तो जिम भी करता है ना, भूत से नहीं डरता वो। हेलो हेलो राहुल, प्लीज मेरे घर पे जल्दी आ जाओ, मेरे घर पे भूतनी आ गई है। अबे तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या, वो भी इतनी रात को? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, वो मेरे दरवाजे के पास खड़ी है। अरे यार मैं ना सोने जा रहा हूँ, मजाक मत कर। अच्छा एक काम कर, जो 2 साल पहले तूने मेरे 15,000 रुपए लिए थे ना, वो लौटा दे। अरे तू ये बता ना, कितने बजे आना है तेरे पास? जल्द से जल्द आ जा। हाँ ठीक है ठीक है, आता हूँ आता हूँ। अरे यार चैन से पॉटी भी नहीं करने देते। गेट तो खोल दे, कब से घर के बाहर खड़ी हूँ, बजाने जा रही हूँ गेट कब से। अभी आई। अच्छा तू आ गई, तुझे पता है मेरे घर में एक भूत नहीं है, वो किचन में है और पूरे घर में उसके खून के पैर के निशान है। आ तुझे दिखाती हूँ। अरे हाँ, अरे आना चल चल आना। यार कहाँ कुछ है, तू भी ना इतनी रात को मुझे बुला लिया, मजाक करती रहती है तू बस। अरे यही तो थी, वो देख उसने राहुल को मार दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने राहुल को मार दिया और अगला जिसको मारेगी ना उसकी फोटो वहां टंग जाएगी। रुक, फोन भी नहीं मिल रहा, कहा था ना मैंने मुझे इस घर में रुकना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये यार मैं तेरी वजह से यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था। क्या दिखा रही है? पीछे तो देखो पीछे। यार तुझे यहाँ पे मजाक सोच रहा है, पीछे तो देखो कर रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा। कहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा? अरे वही तो खड़ी है। कुछ भी तो नहीं है यार, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मतलब मैं समझ गई, ये सब चुड़ैल फोटो वगैरह कुछ नहीं है, ये तो बस मेरा वहम है ना। रुक। ये
मुझे 5 बलि देनी है, उसके बाद मैं राग हो जाऊंगी और अगला शिकार तुम होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि सुतिन लोग जो। तू ये क्या कर रही है? तू भी बड़ी से इससे जुड़ेल पास नहीं आएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि सुतिन लोग जागे। ये क्या हुआ? ये फोन क्यों नहीं काम कर रहा? लगता है ये उस चुड़ैल का ही काम है। खैर तू फोन छोड़, तू खुद से बोल। मुझे बस उतना ही आता, उससे ज्यादा याद नहीं है। मुझे भी बस उतना ही आता। मैं 3 लोगों को मार चुकी हूँ और अब बस 2 लोग बचे हैं और तुम ही दोनों मेरे आखिरी शिकार हो। आप लोग ठीक हो ना? हाँ हम दोनों ठीक है, लेकिन आप कौन हो और हमारे घर में ये भूतनी कहाँ से आ गई? मेरा नाम अक्षय है और मैं भूतों को भगाने का काम करता हूँ। वो ये आखिरी भूतनी है जो भागी नहीं रही है, और तुम्हारा दरवाजा खुला था तो मैं अंदर चला आया। इससे बचने का कोई तो उपाय होगा? वही ढूंढ रहा हूँ। मैंने सारे भूतों को भगा दिया लेकिन इसे भगाने का कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। ये अब तक 3 लोगों को मार चुकी है, अब बस 2 शिकार बचे हैं। वही रात में जगे हुए लोगों को मारती है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो अच्छे खासे सोने जा रही थी, इसी ने मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे नहीं मरना है। कोई नहीं मरेगा, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। यार ये आइडिया काम करेगा ना? वो हमारे साथ है भी नहीं। हाँ हाँ उस बाबा ने उस भूतनी को भगा दिया तो ये आइडिया जरूर काम करेगा। बाबा तो चले गए, अब इस भूतनी के बस की नहीं है कि वो हमारे सामने भी आ पाए। ये रो रही है या हंस रही है? ये क्या कर रही है ये? मेरे पास आओ। नहीं मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो वो बाबा मारने के लिए ढूंढ रहा है, बस इसीलिए मैं इस घर में घुसाई। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिर्फ अपने दुख दर्द सुनाऊंगी। पास आओ। मत जा स्वीटी, ये बाबा और भूतनी मुझे मिले हुए लगते हैं। हम यहाँ से भाग चलते हैं। उसकी बात मत सुनो तुम, मेरे पास आओ और पास आओ, मेरे साथ बैठो। आओ आओ आओ। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। बहुत खूब, मुझे पता था ये भूतनी ऐसे ही पकड़ी जाएगी। अब ये तस्वीर मुझे दे दो, मैं इसे गंगा जल में बहा दूंगा, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये लो। थैंक गॉड ये भूतनी पकड़ी गई। कितनी बार कहा है तस्वीरों को अच्छे से कील से टांग दिया करो, लेकिन नहीं, रोज गिरती रहती हैं। ये सपना था या रियल? अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संजाली का व्लॉग। बाय।